सीएम योगी को धमकी देने वाले कामरान का 48 घंटे बाद तगड़ा इलाज हो गया है। आखिर कैसे इलाज हुआ बताएंगे आपको, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला कामरान अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुंबई से घसीट कर उसे यूपी लाया जा चुका है। कामरान को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया, इसके बाद उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। कामरान ने अपना गुनाह कबूल करने में कतई मिनट नहीं लगाई और कह दिया कि हां मैं ही हूं जिसने फोन पर दी थी सीएम को उड़ाने की धमकी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उसने धमकी दी क्यों। लेकिन आपको बता दें कि गोमती नगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने एटीएस को बताया कि सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनाए गए भड़काऊ वीडियो पोस्ट देखकर उसके मन में योगी आदित्यनाथ के लिए गुस्सा था और उसने इस गुस्से के चलते उन्हें बम से उड़ाने की धमकी तक दे डाली। आखिरकार ये कामरान है कौन? दरअसल ये मुंबई का रहने वाला है। झावेरी बाजार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले कामरान का साल 2017 में स्पाइन टीवी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी और फिलहाल कोई काम धंधा नहीं करता था। कामरान के परिवार में मां बहन एक भाई है और वो नशे का आदी बन चुका था। कामरान के पिता टैक्सी चलाते थे, 2 महीने पहले उनकी मौत हो गई थी। बड़ा भाई इमरान अली खान मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। कामरान की मां शिरीन पहले शिक्षिका थी लेकिन फिलहाल कोई काम नहीं करती। बहन जरीन मेहंदी की क्लासेज करती हैं। कामरान का यूपी में कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मुंबई के चूना भट्टी पुलिस स्टेशन इलाके के न्यू माहड़ा कॉलोनी का रहने वाला है। 25 वर्षीय कामरान ने कक्षा 5 तक शिक्षा हासिल की है, यानी 5वीं पास है, और बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी भी है। लेकिन आखिरकार उसने कैसे मैसेज किया था, जरा इस पर नजर डालते हैं और किन किन धाराओं में केस दर्ज है। दरअसल गुरुवार रात 12 बजे उसका मैसेज था। यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग 12:30 एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। ये मैसेज यहां के सोशल मीडिया डेस्क के नंबर 7570000100 पर आया था। मैसेज में लिखा था, सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं। और इस मैसेज आने के बाद उच्च अधिकारियों को इसको सूचना दी गई। इसके बाद गोमती नगर थाने में धारा 505 1B 506 और 507 के तहत केस दर्ज किया गया और उसके बाद तुरंत FIR दर्ज की गई, तैयारी पूरी की गई। और कामरान जो लगातार धमकी दे रहा था, अब वो किस तरीके से डरपोक बनता नजर आ रहा है इससे पता चलता है। यानी पुलिस के सामने उसने अपना सच भी कबूल लिया है। अब और देखते हैं आगे और क्या क्या सच बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि सीएम योगी को धमकी चलती नहीं। इतना तो साफ है कि धमकी देने वाला कामरान अब अपना सच बता चुका है। किस तरह से वो भड़काऊ वीडियोस मैसेज पढ़कर अपना दिमाग पागल बना चुका था और उसके बाद उसने ये हरकत की थी। हालांकि पुलिस ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सिर्फ 48 घंटे में उसे सलाखों के अंदर डाल दिया, यानी पुलिस की वो गिरफ्त में आ गया। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क है, धमकी देने वाला बचेगा नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।